मैंने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। एक उच्च स्तरीय मीटिंग अभी मैं करके आ रहा हूँ। सीएस डीजीपी जिसमें उपस्थित थे, एसीएस होम थे, और मैंने निर्देश दिया है कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए। एसीएस होम उस जांच को करेंगे। एक एसआईटी बनाई है, पुलिस की स्पेशल टीम, वो पूरी घटना में त्वरित कार्रवाई करेगी। हमने ये भी निर्देश दिए हैं इस घटना में जो शामिल हैं तीन लोग, अभी मैं तथ्यों की बात नहीं कर रहा, पुलिस जांच करके पता लगाएगी, लेकिन प्रारंभिक जो जानकारी, उनको पकड़ने पुलिस की टीमें बन गई है। और केवल इसी जगह नहीं, मैंने पुलिस को निर्देश दिया कि कहीं भी इस तरह की और गतिविधियां तो नहीं हो रही, उनकी जांच करके सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, वो फांसी के फंदे तक पहुंचे इस बात का इंतजाम करें। लेकिन चूंकि सारे तथ्य अभी नहीं है, उस थाना क्षेत्र में जहां ये घटना हुई है, प्रभारी और बाकी सबको सस्पेंड कर दिया गया, अपराधी कोई भी हो छोड़ा नहीं जाएगा, और अगर किसी से लापरवाही हुई हो, जिनकी जिम्मेदारी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने की थी, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। अपराधियों के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्थान नहीं है, ऐसी सजा देंगे कि कांप जाएंगे।